वालेकुम नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। आज मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से तो मोहम्मद रज़ाक साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि इनका पहला इनसे सवाल ये है मेरा, सर ये बताइए आप मुझे कि 28 अगस्त को जो हड़ताल शटर डाउन हड़ताल का अनाउंस हुआ है, तो आप ताजिर बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, क्या 28 अगस्त को जो है वो हड़ताल वाकई कामयाब होगी या नहीं, आप क्या समझते हैं? इसमें जमात इस्लामी ने भी हमायत का ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रज़ाक खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची, अमीर जमात इस्लामी ज़िला साइट गरबी। 28 अगस्त को पूरे मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल है, जिसका ऐलान मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इंजीनियर हफीज़ नईम रहमान साहब ने किया है, और इसको पूरे कौम से, पूरे ताजर बिरादरी, वकला बिरादरी, उलमा इकराम, तुलबा, हर तबका फिक्र के लेबर्स की हिमायत हासिल है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आज हमने पूरा दिन विज़िट किया है, मुख्तलिफ यूनियन के पास गए, मुख्तलिफ यूनियन के सदूर से, जनरल सेक्रेटरी से, उनके स्टाफ से हमारी मुलाकातें हुई, और जहाँ गए लोगों ने हमें वेलकम कहा, लोगों ने खुशामदीद कहा, लोगों ने मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। यानी मैं ये आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि शेरशाह कबाड़ी जो इतना बड़ा एक हब है बिज़नेस का, स्पेयर पार्ट्स का इतना बड़ा हब है, और आपके दिगर जो लिंक इन सी जितने मार्केटें हैं, ये कभी आम दिनों में बंद नहीं होते, बल्कि छुट्टी के दिन भी अक्सर बंद नहीं होते, इसमें बिजनेस चलता रहता है। लेकिन आज जब हमारी मुलाकातें हुई तो बड़ी खुशी हमें हुई कि लोगों ने वेलकम भी कहा, लोगों ने इसी झंडे पर जमात इस्लामी के अमीर इंजीनियर हफीज़ नईम रहमान साहब के मुकम्मल साथ देने का ऐलान भी किया, और इंशाल्लाह हड़ताल कामयाबी। जी सर, आप ये बताइए मुझे कि जमात इस्लामी ने बड़े बड़े एहतजाज किए हैं, और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ तो सबसे बड़े बड़े एहतजाज उन्होंने किए हैं, मगर ये बताइए कि आखिर इन ताजिर बरादरी भी कर रही है, मगर आखिर ये सब चीज़ों का असर क्यों नहीं हो रहा हुकूमत को, के इलेक्ट्रिक को, अफसरान को, यानी के इलेक्ट्रिक के इदारे को, हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्या वजह है इसकी? देखिए, यहाँ जो हुकूमतें बनती हैं और जिस तरीके से आते हैं वो आप सबको पता है। आपको ये भी मालूम है कि अभी 2024 के जनरल इलेक्शन में जिस तरह से फॉर्म 47 के ज़रिए से कौम पर लोग मुसलत किए गए, वो भी आपको पता है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ख़ुद ये कहे कि हमने बजट IMF के डायरेक्शन के मुताबिक बनाया, यानी कौम का बजट IMF के कहने पर बनाया है, बारी बरकम टैक्सीज लगा दिए, ताजर को दीवार के साथ लगा दिया, एक बिजली का बिल अब आम आदमी मिडिल क्लास भी उसको पे करने के काबिल नहीं रहा है, तो ये तो हुकूमतें कम माफिया ज़्यादा है, ये तो नहीं चाहते हैं कि लोग आगे की तरफ सोचे, लोग आगे की तरफ निकले। ये एक मिली भगत से एक ऐसा गठजोड़ है जिसके ज़रिए से कौम को बदतरीन महंगाई के पछताई में गर करना चाहते हैं, ताकि कौम आगे सोचने का उनको मौका ही नहीं मिले, वो बिजली के बिलों में दर बदर होते रहें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह कौम बेदार भी है, और जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के दरवाजे पर दस्तक दिए, 14 दिन धरना दिया है, हम इसको किसी सूरत में वैसे नहीं जाने देंगे। जी ये बताइए मुझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इस वक्त, और MQM पाकिस्तान है, वो दीगर जमातें हैं इस वक्त इत्तेहादी बनी हुई हैं हुकूमत की, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रही हैं आवाम के हक़ में, क्यों नहीं आवाज़ उठा रही हैं, आवाज़ बुलंद कर रही हैं ताजिर बरादरी के हक़ में, क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रही हैं? अगर वो एक्शन में आती हैं तो यकीनन जो है कुछ ना कुछ जो है अमल दरामद होगा, और कुछ ना कुछ उसके नताइज जो है आज जो नताइज आ रहे हैं उसके उससे बेहतर नताइज आ सकते हैं। क्या ये सियासी पार्टियां अपने इत्तेहाद के चक्कर में लंबी नींद लेके सो रही हैं, यही वजह है कि वो जो है वो खामोश बैठी हुई हैं, और आवाम जो है इस वक्त के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ के इलेक्ट्रिक का जो ज़ालिमाना रवैया है वो बर्दाश्त कर रही है? MQM पीपल्स पार्टी, नून लीग कभी भी एक्शन में नहीं आएंगे। और एक और बात बताऊं, आप तारीख में मुझे बताएं कि कभी पीपल्स पार्टी ने, कभी MQM ने, कभी नून लीग ने, ये बार बार हुकूमतों में रहे, मिलकर भी हुकूमत करते रहे, अभी भी मिलकर काबीना में मौजूद है, वफाकी हुकूमत में मौजूद है, उन्होंने कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है, उन्होंने कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक इकदाम भी नहीं किया, उन्होंने कभी के इलेक्ट्रिक के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है, जो गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट किया उस पर के इलेक्ट्रिक के अमर दरामद कराने की भी उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमेशा इनके मुफादात के इलेक्ट्रिक और IPP से वाबस्ता रहे हैं।
ये जो आई पी पीज के लोग हैं ये कौन लोग हैं? आप उसके बैग पर जाओगे तो उनका ताल्लुक आपको पीपल्स पार्टी से मिलेगा, आपको नून लीग से मिलेगा। कराची में कैलिट की जो बदमाशी है, जो जुल्म है, जो बर्बियत है, इनसे मुफादात इनक्यूम लेती रही है, पीपल्स पार्टी लेती रही है, नून लीग लेती रही है, के पोस्टों पर इनके लोग मौजूद रहे हैं। इन्होंने कंट्रैक्टर ठेकेदारी निज़ाम कायम किया था शहर कराची में, लोगों को लूटते रहे। तो ये सारा मिली भगत है। अगर के इलेक्ट्रिक या दिगर इदारे जो कौम पर इस वक्त जुल्म कर रहे हैं ये इन्हीं लोगों के सपोर्ट पर है। आप क्या समझते हैं यार, क्या लोग नहीं देखते हैं इनक्यूम किस तरह से हुकूमत में आए? एक सीट इनक्यूम को नहीं मिला है कराची से, एक सीट पर भी इनक्यूम नहीं जीती है, और उनको इतनी बड़ी कौमी और सूबाई असम्बलों से नवाजा गया है, और जो दयानतदार लोग दे, ईमानदार लोग दे, जो कौम के खैरख्वाह लोग दे, उनको बाहर कर दिया। और वो लोग जिनको शहर कराची के गैर, मैं शहर कराची के आवाम को सलाम पेश करता हूँ, यानी इनक्यूम को 5,000 ज़्यादा वोट कहीं से मिले नहीं है, इस बुरी तरह मुस्तरद किया गया और इनक्यूम को ला के कौम पर मुस्तरद किया गया। आप क्या कहते हैं ये जो शहर कराची में पीपल्स पार्टी की सीटें आई हैं उन्होंने खरीदी हैं? एक भी सीट उनको नहीं मिली है। किस तरह मिला है पूरा कौम जानता है। किस तरह सिंध में इनको सीटें मिलती हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। उनके एक सिपाही से लेकर और ऊपर तक ये सारा जो 30 साल से बरसर इख्तदार है, सारा स्टाफ उनके हैं, सारे लोग उनके हैं। तो ये मुस्तरद लोग इंशाल्लाह इनका कोई ख़ास मुस्तकबिल नहीं है। मैंने आपको बताया था के पोस्टों पर के इलेक्ट्रिक के ये लोग बरजमान रहे हैं, ये लोग मुफादात उसे समेटते रहे हैं। बतीजे बांझे फला डिंगा पार्टी सेक्टर इंचार्ज फला इंचार्ज, इनको पीपल्स पार्टी को भी मुफादात जाते रहे के, और इनक्यूम को भी मुफादात जाते रहे हैं। और अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले एक ठेकेदारी निज़ाम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था शहर कराची में, और उसमें अक्सर ठेकेदार या कंट्रेक्टर जो होते पीपल्स पार्टी के लोग होते थे या इनक्यूम के लोग होते थे, उनको इलाके तकसीम किए थे। वो तो फिर उनको सही खुट लगी लोगों के तरफ से जब ये लोगों के पास जाते थे इनके कनेक्शन काटने और इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने। तो एक अरसे तक तो उन्होंने ठेकेदार बना के लोगों पर मुसलत करने की कोशिश की। अब ये दूसरी तरीके से 12 किस्म के जो है उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। आप अगर बिल के बैग पर देखेंगे तो आप मुझे बताएं आपकी पीएमटी से अगर लॉसेस आते हैं, चोरी, बिजली चोरी होती, तो वो लॉसेस और चोरी भी उन लोगों पर डाल देते हैं जो बिल पे करते हैं, या जुल्म क्या आप इंतजार देखे जो रेगुलर बिल पे करते हैं, जो चोरी है वो भी वो इन पर। और मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि कोई कुंडा बिजली की कोई चोरी के इलेक्ट्रिक की सरपरसी के बगैर नहीं हो सकती।